दंतेवाड़ा में पिछले 2 वर्षों में इंद्रावती के ऊपर, मरांगी नदी के ऊपर काफ़ी सारे पुलपुलिया बनाए गए हैं, जिससे कि सारे पंचायत हमारे पहुंच के अंदर आ गए हैं। क्योंकि पहले मानसून में नक्सली रिक्रूटमेंट किया करते थे, ग्रामीणों पर दबाव बना के उनसे लेवी वसूली किया करते थे, वहाँ पर ट्रेनिंग किया करते थे, और TCOC के दौरान आने वाले TCOC में बड़ी घटनाएं करने की प्लानिंग और मीटिंग्स किया करते थे। इसको रोकने के लिए इस बार हमने मानसून में लगातार ऑपरेशन चालू रखा है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण नदियों में, नालों में जल का स्तर बढ़ गया है। इसीलिए महिला एवं पुरुष DRD लगातार नदी नालों को पार करते हुए ऑपरेशन कर रही हैं। इसके लिए इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई, स्पेशल किट दिया गया, जूते दिए गए, रेनकोट दिए गए, छतरी दिया गया, इनको स्पेशल दवाइयों का सेट दिया गया। यदि बारिश के टाइम यदि बिजली गिरती है तो उससे बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो बताए गए, और इनको मानसून में लगातार ऑपरेट करने के लिए जो है तैयार किया गया। यही कारण है कि पिछले 10 दिनों से लगातार फोर्स जो है अंधुनी क्षेत्रों में ऑपरेट कर रही है, ग्रामीणों से संपर्क फाँस रही है, और इस बार दंतेवाड़ा में DRG के ऑपरेशन के कारण रिक्रूटमेंट 0 है। नक्सली कोई ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने कैंप्स नहीं लगा पा रहे हैं, और इसी ऑपरेशन मानसून को अगले मानसून तक कंटिन्यू किया जाएगा। ये नदी है क्योंकि मरांगी नदी के उस पार रेवाली, बुड़गुम, नीलावाया के क्षेत्र हैं, जहाँ पे अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र हैं। मरांगी एरिया कमेटी का वो कोर एरिया है, वहाँ पर लगातार मरांगी नदी को हम 3-4 जगह से पार करके ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे हमने 2 नक्सली स्मारक, जो इनामी माओवादी रमन्ना और देवा मंगली के नाम पे बनाया गया था, उसको भी हमने तोड़ गिराया। तो निश्चित रूप से नए स्मारक वो बना नहीं पा रहे हैं, जबकि हम उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं, और यही कारण है कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक जो उनका शहीद दिवस है उसको पूरी तरह से हम डोमिनेट कर रहे हैं, जिससे कि पुलिस जो है शांतिपूर्वक जो है ऑपरेशन कर पाएगी।